Wallywood's cocktail. Well, PC is all set to add one more feather on her hat. Priyanka Chopra की success story इस साल काफी visible रही है. Bollywood में भले ही वो अपनी किसी movie के साथ नहीं आई हो, but Hollywood projects जैसे कि Quantico और Baywatch की वजह से वो हमेशा headline में रही हैं. हालांकि Baywatch international market में ज्यादा चल नहीं पाई है, but देखना होगा कि ये India में कैसा perform करती है. Quantico 2 की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद फिलहाल प्रियंका बेवॉच के प्रमोशन कर रही हैं और प्रियंका को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलने वाला है. दादा साहब फाल्के की ज्यूरी मेंबर्स को लगता है कि प्रियंका जिस तरीके से इंडिया को ग्लोबली प्रेजेंट कर रही हैं, वो हर एक इंडियन को प्राउड फील करा रही है, इसलिए उन्हें ये स्पेशल कैटेगरी नॉमिनेट करनी पड़ी है. फिलहाल वो इंडिया में नहीं है और जर्मनी में बेवॉच की प्रमोशन कर रही हैं। ये अवार्ड उन्हें 1 जून को मिलने वाला है और बेवॉच 2 जून को इंडिया में रिलीज होने वाली है. देखना होगा कि प्रियंका इंडिया आकर ये अवार्ड रिसीव करती हैं या नहीं. दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब टू हैव नेक्स्ट सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल.